to another tutorial of WordPress. Today I am going to tell you another plugin which is very much useful for online quiz or online exam. तो जैसा कि पहले मैंने एक quiz का एक और plugin आप लोगों को बताया था, डाल के उस पर वर्क करके दिखाया था, तो ऐसा ही एक और plugin आप क्रिएट कर सकते हो जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा सकते हो और करवाने के बाद आप उसको सेम टाइम पे रिज़ल्ट भी शो करा सकते हो। ठीक है, कि स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि कौन से आंसर सही हैं, कौन से आंसर गलत हैं। स्कोर बोर्ड आप बाद में उसे मेल कर सकते हो या शो कर सकते हो। तो आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखें तो आप उसके आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू क्रिएट अ क्विज और यू कैन टेक एनी और काइंड ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, आइदर इट इज़ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, किसी भी तरीके के आप क्वेश्चंस इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जैसा आप ये लुक एंड देख रहे हैं कि जैसे ये क्विज का एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, तो मैं जैसे इस लिंक पे क्रिएट करूँगा तो ये आपका टाइमर भी इसमें चालू हो जाएगा। तो जैसे ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आंसर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद ये आपको इन आंसर्स को शो कर देगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट पेज आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा एकदम बिल्कुल क्विज सबमिट होते, तो ये बेस्ट रहेगा। बाकी स्कोर जो भी होगा वो स्कोर आपको एडमिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए चलते देखते हैं कि किस तरीके से हम इस तरीके की कोई भी क्विज जनरेट कर सकते हैं और ऑनलाइन इसको करवा सकते हैं, क्योंकि इस समय सब कुछ ऑनलाइन मोड में ही चल रहा है। तो ऑनलाइन मोड के अकॉर्डिंग जैसे कुछ भी आप ट्यूटोरियल पढ़ाते हैं या कोचिंग्स लेते हैं, तो आप ये क्विज के थ्रू सब कुछ बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये हम अपने एडमिन पैनल में आ गए हैं। वर्डप्रेस को हमने लॉगिन करने के बाद एडमिन पैनल उसका ओपन कर लिया है, और एडमिन पैनल में हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लगइन पे जाना। ठीक है, प्लगइन पे हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। प्लगइन का मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, क्विज एंड सर्वे मास्टर करके आपको एक प्लगइन ऑनलाइन मिल जाएगा। क्या करना है आपको, जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आप सर्च कर देंगे क्विज एंड सर्वे मास्टर। जैसे मैंने क्विज एंड लिखा तो ये ऑटोमेटिकली क्विज एंड सर्वे आ गया। ये आपका बेस्ट प्लगइन है, 5-स्टार रेटिंग का प्लगइन है, और इसको आप इंस्टॉल कर देंगे। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ये अपडेट का प्रोसेस दिखा रहा है। ठीक है, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपका यहाँ पे एक QSM करके बन के किसकी विंडो आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप इंस्टॉल करेंगे तो इसको आपको विंडो पे यहाँ पे जाना है, कर्सर लेके आना है। कर्सर लेने के बाद आप डैशबोर्ड पे इसके क्लिक कर देंगे तो ये आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। यहीं से वो आपको पूछेगा क्रिएट न्यू क्विज और सर्वे, तो आप इसमें क्विज भी करवा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन सर्वेज होते हैं कि फीडबैक लेना होता है लोगों का, किसी प्रोडक्ट का फीडबैक लेना हो या किसी भी चीज़ का सर्वे कराना हो, बड़ी बड़ी कंपनीज कराती हैं, तो वो भी आप इसके थ्रू ईजिली जनरेट कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू क्विज पर जाते हैं, तो यहाँ पर आपके फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब कि आप बिल्कुल सैम्पल कोई नहीं यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल क्विज अगर आप लेना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम बेस्ड क्विज लेना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि अभी हमने क्विज जो देखी थी वो टाइम बेस्ड क्विज थी। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की आप क्विज करवाना चाहते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर टाइम बेस्ड क्विज आपकी सेलेक्ट करके दे देता हूँ, तो यहाँ पर टाइम बेस्ड क्विज के बाद आपका क्रिएट क्विज को आपको जाना है। ठीक है, टाइम लिमिट आप इसकी सेट कर सकते हैं यहाँ पर भी, और बाद में चाहें तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप 15 मिनट रखना है, 30 मिनट्स रखना है, 1 आवर रखना है, जो भी आपको रखना है तो वो मिनट्स में आपको देना रखेगा। जैसे अगर मैं 15 लिखता हूँ तो देन इट विल बी काउंटेड एज 15 मिनट्स। ठीक है, ग्रेडेड सिस्टम कैसा है आपका, करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर या पॉइंट्स में आप देना चाहते हैं, तो आपको जैसे उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन के पॉइंट आपको डिसाइड करने होंगे, तो मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक सर्वे का भी फॉर्म है, अगर आप सर्वे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये सर्वे को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट क्विज कर देता हूँ, क्विज का नाम डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ GK टेस्ट। ठीक है, ये हमने क्विज का नाम डाल दिया, क्रिएट क्विज पे हमने क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि हमारी एक क्रिएट क्विज GK टेस्ट करके एक क्विज हमारी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, GK टेस्ट करके एक क्विज क्रिएट हो गई, यहाँ पे आप क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस आप किस तरीके के रखना चाहते हैं वो भी आप पे ऑप्शन रहेगा।
ठीक है, जैसे कुछ भी आप जीके के क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन रख दिया। हम इसको ऑब्जेक्टिव टाइप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन आएगा कि हम किस तरीके का क्वेश्चन टाइप को लेना चाहते हैं, ठीक है। ये आप वर्टिकल मल्टीपल चॉइस फाइल अपलोड कराना चाहते हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर में चाहते हैं, पैराग्राफ में चाहते हैं, नंबर्स की फॉर्म में आंसर चाहते हैं, कैप्चा भरवाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे ऑप्शन डाल देता हूँ, ये चार तीन ऑप्शन या चार ऑप्शन जो भी आप जितने भी ऐड करना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने चार ऑप्शन डाल दिए। अगर हम पॉइंट्स के रिकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो जैसे अगर हम जो भी करेक्ट आंसर होगा उस पर हम पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। ऐड करेक्ट आंसर इन्फो, अगर करेक्ट आंसर की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। सेव क्वेश्चन पे कर देंगे, रिक्वायर्ड मैंडेटरी है आंसर देना, ठीक है, तो आप इसको रिक्वायर्ड कर देंगे, सेव क्वेश्चन कर देंगे। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। सेव क्वेश्चन आपने क्लिक कर दिया तो आपका क्वेश्चन सेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन इंसर्ट हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका नया क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप कुछ भी नया क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। नए क्वेश्चन में आप अपने चॉइसेस डाल सकते हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, जैसे ये आप चीज़ डाल सकते हैं, तो ये आप ऑप्शंस दे दिए आपने। क्वेश्चन को रिक्वायर्ड रखना है, इम्पोर्टेंट मैंडेटरी रखना है, सेव कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। फिर आप इसको ये आपका सेकंड क्वेश्चन इंसर्ट हो गया। करेक्ट आंसर की इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं, क्रिएट न्यू क्वेश्चन पे चले जाएंगे तो आपका थर्ड क्वेश्चन इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ फील्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट फील्ड्स जो आप देख सकते हैं कि उसमें आप अपना कुछ भी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, कुछ जो फील्ड्स हैं उनको रखना चाहते हैं अपने उसमें या नहीं। जैसे कॉन्टैक्ट का एक फील्ड है, ठीक है, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ऐड न्यू फील्ड कर सकते हैं। तो स्मॉल ओपन आंसर में ये चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे नेम, ईमेल या जो भी कुछ आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, ठीक है, मीन्स कि कॉन्टैक्ट से पहले वो आपका एक वो भर ले। बाकी अगर आप कुछ मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं बिफोर स्टार्टिंग द क्विज तो वो आप टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं वेलकम टू जीके क्विज, अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पे जीके क्विज उसका नाम आ जाएगा। इसमें आप पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, इमेजेस भी डाल सकते हैं, पूरा इस पेज को डेकोरेट कर सकते हैं अगर चाहते हैं। आप इसके डेमो में भी देख सकते हैं, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो पूरा इसमें एक फॉर्मेटिंग सैंपल बना हुआ है, सैंपल देख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, मैसेज डिस्प्ले बिफोर क्विज, मैसेज डिस्प्ले बिफोर कमेंट, जिस भी ऑप्शन पे आप इसे रखना चाहते हैं वो चीज़ आप इस पर रख सकते हैं। सेव टेक्स्ट मैसेज कर देंगे आप यहाँ पे। मीडिया ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया फ़ोटो या वीडियोज़ भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके कुछ बटन्स हैं, सबमिट बटन, प्रीवियस, नेक्स्ट बटन, इन सब की अभी आपको कोई वो
आवश्यकता नहीं है। ऑप्शंस वाले में देख सकते हैं आप कि जैसे बताया था हम करेक्ट या इनकरेक्ट में रहते हैं, पॉइंट्स में जाते हैं या दोनों चीज़ें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। प्रोग्रेस बार अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर सकते हैं। यूज़र को लॉगिन करवाना चाहते हैं तो यस पे कर सकते हैं, तो वो पहले अकाउंट क्रिएट करेगा फिर वो लॉगिन कर पाएगा। पर पेज आप कितने क्वेश्चंस दिखा सकते हैं उसकी भी लिमिट रख सकते हैं। टाइम जैसा पहले भी हमने कहा था कि हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 15 मिनट्स डाला था तो ये आप और कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स सबमिट आफ्टर टाइमर एक्सपायरी, अगर फोर्सली आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो यस या नो जो भी कर सकते हैं। स्किप वैलिडेशन वेन टाइम की वैलिडेशन के अकॉर्डिंग आप उसको हटवाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं वो चीज़ आप दे सकते हैं। लिमिटेड अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, एक अटैम्प्ट दो अटैम्प्ट या जीरो, जैसा भी आप कर रहे हैं बाई डिफ़ॉल्ट तो ये एक अटैम्प्ट लेगा ही, ठीक है। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप इसको देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स हैं, जैसे ये रिज़ल्ट ईमेल का एक है ऑप्शन कि अगर आप कुछ ईमेल आईडी या सेव कराना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू ईमेल कर सकते हैं, या कोई ईमेल आईडी आप सेव कराना चाहते हैं तो वो सेव हो जाएंगी। रिज़ल्ट पेज में आप अगर पेज का जो पर्टिकुलर पेज आपने टेस्ट या क्विज डिज़ाइन करा है उसका रिज़ल्ट सेव करके रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपका रिज़ल्ट सेव पेज हो जाएगा। स्टाइल इसमें कि कैसा लुक एंड फील आप देना चाहते हैं अपने क्विज का, तो वो चीज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे रिज़ल्ट के लिए क्या है, तो सेटिंग पे जाके QSM पे जाके यहाँ पे एक रिज़ल्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे जैसे मैंने इथिकल वाली पहली क्विज बनी हुई थी तो ये सारे रिज़ल्ट उसके रिकॉर्ड हो चुके हैं कि कितनी बार हुई, कितना स्कोर आया, ठीक है। अभी तो एडमिन से ही लॉगिन हो रहा है, अगर आप लॉगिन क्रिएट करेंगे तो लॉगिन के थ्रू जो भी नंबर ऑफ़ यूज़र्स होंगे उनका रिज़ल्ट सब सेव हो जाएगा, फिर आप मेल के थ्रू उसे शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अब आपको क्विज शो कैसे करानी है, शो कराने के लिए आपको क्या करना है, एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे पेजेस में चले जाते हैं, पहले हम अपनी क्विज पेजेस में चले गए, ऑल पेजेस, ठीक है। अगर मैं सैम्पल पेज में ही रिज़ल्ट को वो उसको क्विज को शो कराना चाहता हूँ तो उस पर्टिकुलर क्विज का मुझे एक शॉर्ट कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। उस शॉर्ट कोड से वो आपकी क्विज अवेलेबल हो जाएगी। वो शॉर्ट कोड आपका कैसे पड़ेगा वो देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये जीके टेस्ट की आपकी क्विज थी, ठीक है। अभी ये ड्राफ्ट में है, आप किसी भी क्विज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये शॉर्ट कोड के लिए आपको यहाँ से ये शॉर्ट कोड मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको कॉपी करना है और कॉपी करके किसी भी पर्टिकुलर एक पेज पे पेस्ट कर देना है जहाँ पे आप वो क्विज दिखाना चाहते हैं, तो वो आपका पर्टिकुलर पेज पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप पब्लिश कर देंगे तो वो आपकी ड्राफ्ट में से ख़त्म हो जाएगी क्विज, ठीक है। आपने पब्लिश कर दी, अब आप QSM में जाके क्विजेज में देखेंगे तो वो आपकी ड्राफ्ट में नहीं दिखाएगा। ये देखिए, ये अब आपकी क्विज पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पेजेस पे जाके वो शॉर्ट कोड हमें पुट कर देना है, और पुट करने के बाद जब मान लिए मैं प्राइवेट पॉलिसीज में वो शॉर्ट कोड एक इनेबल कर देता हूँ। शॉर्ट कोड इनेबल करने के लिए आपको पेज के एडिट पे जाना है, ये आपका शॉर्ट कोड इंसर्ट हो गया, इसे आप पब्लिश कर देंगे। आप कोई नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, ये तो मैं एक सैम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। व्यू पेज पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी में आ गया, ये आपकी क्विज इस पे क्रिएट हो गई। तो ये दो क्वेश्चन हमने डाले थे, ये दो क्वेश्चन हमारे दिखने शुरू हो गए, ठीक है। जो हमने करेक्ट आंसर दिए, एक हम करेक्ट दे देते हैं, एक इनकरेक्ट दे देते हैं, हमने सबमिट कर दिया। तो ये हमारे, देखिए फ्रेंड्स, जो इस क्विज की सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें आप हैंड टू हैंड आंसर भी करेक्ट देख सकते हैं और क्वेश्चंस की मार्किंग भी आप देख सकते हैं कितने परसेंट आपका ठीक आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ऑप्शन वाले उसमें जाना है, जैसा मैंने पहले बताया था कि हमने पॉइंट्स लिया था, लेकिन हमें करेक्ट और इनकरेक्ट भी शो कराना होगा, तभी वो उसके बेसिस पे पॉइंट को कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ को सेलेक्ट कर लेंगे,
ठीक है, और बोथ को सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमारा एक ऑप्शन आएगा सेव चेंजेस का, उसको कर लें। अब हम चाहते हैं कि हमारी क्विज़ ख़त्म हो, उसके बाद हम उसका रिज़ल्ट भी शो कराना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, रिज़ल्ट पेज पे जाना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक कंडीशन आपकी दे रखी है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा तो आपका रिज़ल्ट पेज पे रिज़ल्ट दिखेगा। जैसे यहाँ मैंने क्या कंडीशन दी है कि टोटल पॉइंट्स अर्न इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो है या ज़ीरो से ज़्यादा है, मतलब कोई भी केस होगा टेस्ट में, तो आपका रिज़ल्ट शो होगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट शो होने के बाद ये कुछ लाइंस आएंगी, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर रिस्पॉन्स कॉन्टेक्ट ऑल। ये अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ये क्रिएट नहीं है तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप करेक्ट आंसर शो कराना चाहते हैं, करेक्ट स्कोर शो कराना चाहते हैं, तो उसका आपको कैसे लाना है, यहाँ पर ये एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेम्पलेट वर्जन, तो यहाँ पर चले जाएँगे, करेक्ट स्कोर पर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद इसको सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे सेव पेज रिज़ल्ट पे आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, ये आपका सेव हो गया। अब हम एक बार वो देख लेते हैं अपनी साइट को विज़िट करके कि जो हमने वो डाला था वो हमारा कैसा दिखाई देता। हमने पॉलिसी वाले में ये पर्टिकुलर वो डाला था, तो हम पॉलिसी वाला पेज खोल लेंगे। तो ये हमारा पॉलिसी वाला पेज आ गया जिस पे हमारा क्विज़ था, तो ये क्विज़ का टाइमिंग शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ मैं एक आपको सही आंसर डाल के दिखाता हूँ, एक गलत दिखाता हूँ। जैसे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया डाल दिया, फेवरेट गेम में मैंने फ़ुटबॉल डाल दिया। मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, तो सबमिट करने के बाद देखेंगे अब आपका आंसर शो होने लगा, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर रिस्पॉन्स 50% आपने इसको कवर करा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका स्कोर भी मुझे दिखाई दे कि कौन सा आंसर गलत था कौन सा सही था, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें वापस यहाँ पे जाना है अपनी क्विज़ पे, रिज़ल्ट वाले पेज पे हम जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे करेक्ट स्कोर हमें आ रहा है, करेक्ट स्कोर के बाद हमें एक टेम्पलेट और इंसर्ट करना होगा, तो यहाँ इंसर्ट टेम्पलेट पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें कौन सा टेम्पलेट करना है जिससे कि हमारा वो सब क्वेश्चन और आंसर वाले। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके सिंपल हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा पेस्ट हो गया। इसको हमने सेव रिज़ल्ट कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि अब हमारा जो पर्टिकुलर वो आएगा उसमें हमारा राइट और रॉन्ग आंसर शो कर देगा। जैसे मैंने ये राइट कर दिया, ये मैंने रॉन्ग आंसर दे दिया, तो आप देख सकते हैं ये करेक्ट आंसर जो मैंने करेक्ट दिया था वो मेरा टिक करेक्ट हो गया, और जो रॉन्ग आंसर मैंने दिया था वो शो कर रहा है रिज़ल्ट में कि ये रॉन्ग आंसर है, और 50 आपका स्कोर दिखा रहा है, मतलब 50% आपने ठीक करा। तो ये बेस्ट है आपके लिए, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।